दोस्तों एलविस यादव और फाजिलपुरिया को ईडी का लगा बहुत बड़ा झटका, जब्त हुई करोड़ों की प्रॉपर्टी। जी हां दोस्तों, पॉपुलर यूट्यूबर एलविस यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब से सांपों के जहर के मामले में उनका नाम आया है, वो ईडी के निशाने पर हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों। साथ ही सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाम आने के बाद एलविस यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन दोनों के खिलाफ केस फाइल होने के बाद ईडी ने एलविस यादव और सिंगर फाजिलपुरिया से लंबी पूछताछ कर इनके बयान भी दर्ज किए थे। दोस्तों अब जांच एजेंसी ने इनकी यूपी और हरियाणा की प्रॉपर्टी अटैच की है। आपको बता दें एलविस यादव और फाजिलपुरिया पर आरोप है कि वो गाने में सांपों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो अपनी कमाई से कथित तौर पर रेव पार्टियां करते हैं। इसी को लेकर ईडी जांच में जुटी हुई है। एक बार तो एलविस यादव की इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दोस्तों अब एलविस यादव और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को कितने करोड़ की संपत्ति सीज हुई है, उसे लेकर कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन इस खबर के बाहर आते ही एलविस यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब उनके खिलाफ कोई चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एलविस यादव का कंट्रोवर्सी से गहरा रिश्ता है। जब से वो बिग बॉस सीजन OTT2 के विनर बने हैं, उनके साथ कुछ न कुछ आए दिन कंट्रोवर्सी होती ही जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में एलविस की मुसीबत कुछ कम होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।